कर रहे हो तो इधर दूर दूर से सीखोगे क्या, इधर अगर आप हो तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है ग्रिप करना। ग्रिप आपने मान लो कर लिया, ग्रिप आपको आता भी है, आपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को रखा और रिंग फिंगर को आपने गैप कर दिया, ठीक है। बट इसके बाद आपका बॉडी पोस्चर करेक्ट क्या होना चाहिए जब आप बॉल को रिलीज करने के लिए वहाँ तक जा रहे हो, तब इसमें ज़रूरत होती है एक अच्छी ड्रिफ्टिंग की। और अच्छी ड्रिफ्टिंग तभी संभव है जब आपके रिस्ट में एक ऐसा तनाव हो जो बॉल को ड्रिफ्ट कराने में मदद करता हो। जैसे आपके पैरों का रोटेशन लॉक बनाने पर बनता है, उसी तरीके से आपके हाथों के रोटेशन में तभी रोटेट होता है, रिस्ट तभी रोटेट होता है जब आप रिस्ट को बिल्कुल सामने से, अपने बॉल आपके फेस के सामने आ जाती है, ये देखिए बॉल आपके फेस के सामने। तो आप बॉल करते समय इसको ध्यान में रखोगे कि रिस्ट आपका लॉक होना चाहिए, जब ये लॉक बन जाएगा तो आप बॉल को अच्छे ढंग से फेंक पाओगे। आप देखिए क्या करना है आपको, जब आप बॉल करने के लिए जा रहे हो फुल एक्शन देखिए। जनरली बहुत सारे खिलाड़ी क्या करते हैं, इस वाले हाथ से भी पकड़ते हैं या कोई इधर से पकड़ता है, हाथ ऐसे लिए रहता है। बट आपने सपोज कीजिए कि यहाँ से ये पकड़ा है और अब आप क्या करने जा रहे हो, बॉल को रनअप के साथ, आपका जो भी रनअप है आप लिया, ये देखिए आप इस समय तक अपने हाथ को सामने ही रखते हो, आपने ये नॉन बॉलिंग आर्म ऊपर कर लिया और ये जो लोडिंग वाला हाथ है इसको आपने सामने ही रखा। अब आप बॉल को रिलीज करने जब जा रहे हो तो देखिए आपका रिस्ट ब्रेक है, ये देखिए ये लॉक बना हुआ है और इसी लॉक को आप फिंगर से फ्लिक करते हो, ये देखिए जैसे ही फिंगर से फ्लिक करते हो बॉल आपका अच्छा ड्रिफ्ट करता है और जो ये पैरों का रोटेशन है ये ड्रिफ्टिंग में और मदद करता है, ये देखिए ये, ठीक है। अब इसको आप फाइनल देखिए, ठीक है।